दूंगा। अनंत आवाज तो सही दिख रहा है ना वैसे? बिल्कुल सही आ जा रहे हैं। तो चलिए, हम पावर पाइवट के बारे में बात कर रहे थे कल। इन टेबल्स की वैसे एक और खास बात होती है कि ये जो होता है ना, कोई भी एक रिकॉर्ड जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है जी। उसका रेफरेंस अगर लेना ही है तो मोर रेफरेंस खाली हम इससे लेते हैं, हेडिंग से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे कोई चीज है, जैसे अगर एक ही कस्टमर दो बार आ रहा है ना, मान लीजिए जैसे P1101 है, P0001 है, कस्टमर आईडी है, मान लीजिए यही डेटा है, तो ये मुझे हर चीज में रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि ये रेफरेंस लेता है ओनली रो से। यही उसे पता पड़ेगा कि अच्छा, ट्रांजेक्शन आईडी ये है, हेडिंग से रेफरेंस लेगा, ये है PID, यहाँ लिखी होनी चाहिए, नहीं लिखी होगी तो इसके पता नहीं पड़ेगा। ये ऊपर नीचे के चक्कर में नहीं रहता कि ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। एक डाटा अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए एक रो में, ठीक है, ये इसका रूल है डेटाबेस का। तो तीन डेटा मैंने आपको कल दिखाए थे, जिसमें एक था हमारा कस्टमर का डेटा, नाम और सिटी है उसका, दूसरा है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है और उनका प्राइस है। फिर जैसे अब उसने बिल काटना शुरू किया, जैसे पहली सेल हुई, पहली आईडी चढ़ गई इस डेट को, और इस कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, आईडी ट्रांजेक्शन में आ गई, किस कस्टमर ने ली, कस्टमर आईडी आ गई, कितनी क्वांटिटी ले गया, तो कस्टमर ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में लेके गया था। तो अब रेफरेंस के लिए क्या देख सकते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट प्राइस है, तो टोटल अमाउंट कितने की बिलिंग कराई उसने वो भी हम जान सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट को। एक सेल्स आईडी जो जनरेट होती है एक पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट होती है, तो एक बिल में दो तीन भी हो सकते हैं, पर हम इसी तरह से देंगे, ठीक है जी। इनवॉइसिंग अगर हो रही है तो उसका अलग से टेबल चलता रहेगा या इसी में ही चल जाएगा। ट्रांजेक्शनल में तो ये आईडी रिपीट भी हो सकते, मतलब यूनिकनेस कुल मिला के डेटा की बनी होनी चाहिए। अब क्या करना है, हमें पावर पाइवट में जाना है। पावर पाइवट कैसे लाए थे, मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो फाइल का बटन है, इसमें ऑप्शन एडिंस में, यहाँ से फॉर्म एडिंस है गो, और यहाँ पे चेक करना है, ओके करेंगे तो पावर पाइवेट का आपका विंडो आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज उसके लिए खाली ओपनिंग एनवायरनमेंट को उसको देखने के लिए, वो एनवायरनमेंट की विंडो खुल जाएगी। थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि एक्सेल से ज्यादा बड़ी होती है डेटाबेस वाली। पहले वाली टेबल्स को मैं कर देता हूँ डिलीट। इसके अंदर सेपरेट टेबल्स आपको मिलेंगे। अभी आपके सामने जो है ये ब्लैंक है, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसमें से टेबल इंपोर्ट करानी है। तो जैसे ये है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पावर पाइवट में ही ऐड टू डेटा मॉडल, मैंने कर दिया ऐड टू डेटा मॉडल। इसके अंदर आ गई टेबल। फिर प्रोडक्ट टेबल है, इसको मैंने करना है ऐड टू डेटा मॉडल। प्रोडक्ट टेबल आ गई, सेल्स टेबल है, इसको लेके गया एड टू डेटा मॉडल, ठीक है जी। तीनों इसके अंदर आ गई। हाँ, एक चीज ये भी है कि पाइवट टेबल जो है, हम पाइवट टेबल तो कितनी भी लगा सकते हैं, पर पाइवट टेबल एक बार में एक ही टेबल का डेटा उठाती है, मतलब एक ही डेटा पे उठाती है। अब इसमें हमने तीन टेबल उठाई है यहां से, ठीक है जी। अब इसका कनेक्शन बीच में सेट करना पड़ेगा। जैसे वहां क्या करते थे, हम लोग वी लुकअप देते थे,
यहाँ वीलुकअप जैसा कुछ नहीं करना है, आपको कनेक्शन बीच में इस्टेब्लिश करना है। तो यहां से जाएंगे डायग्राम व्यू, ठीक है जी। अभी आप डेटा व्यू में, डायग्राम व्यू में आ जाइए। तो डायग्राम व्यू में जब आएंगे तो आपको इस तरह से टेबल दिखाएगा, ठीक है जी। अब सेल्स जैसा कि ये ट्रांजेक्शनल डेटा है, तो मुझे क्या करना है कि अगर प्रोडक्ट का डेटा उठाना है तो उसके लिए रेफरेंस नंबर यहां क्या है, पीआईडी, प्रोडक्ट आईडी। यानी मैं क्या करूंगा, ये ट्रांजेक्शनल डेटा को इसको यहां से खींच के इस वाली पीआईडी पे छोड़ दूंगा, ठीक है जी। इसका मतलब है कि मैं पावर पाइवट को ये बता रहा हूं कि ये वाला जो पीआईडी है ना, उसका रेफरेंस यहां है, ठीक है जी। इसी तरह से ये जो सीआईडी है, कस्टमर आईडी, यहां से मैं ड्रैग करके बताऊंगा कि भाई साहब ये लेना है, इस टेबल से लेना है। बन गया इसका लिंक, दोनों का लिंक बन गया। अब इसको क्या करना है, हमने यहां से डेटा व्यू में आ गया, यहां से वैसे हम मैनेज रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने जो रिलेशनशिप थी वो डायग्राम से कनेक्ट की थी, ठीक है जी। वैसे आप यहां से भी कर सकते हैं, क्रिएट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जैसे कि जैसे सेल्स टेबल है, यहां टेबल आ गई और इसमें जो हमारी थी कौन सी, हमने क्या किया, पीआईडी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट के पीआईडी से, ठीक है जी। वैसे पहले से ही क्रिएट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि मेन टेबल, फिर वो किससे लेना है उसमें, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप यहां से भी हो जाती है। देन मुझे क्या करना है, सीधा सीधा इसमें रिटर्न होना है पाइवट टेबल में, ठीक है जी। यहाँ पे जो होम के अंदर ही आपका पाइवट टेबल है, ये सेपरेट विंडो है, ध्यान रखिए, ये जो पावर पाइवट की है सेपरेट विंडो है। तो यहां से पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा नई वर्कशीट में डालू, एग्जिस्टिंग में डालू, तो ऑब्वियसली नई में ही जाएंगे हम। तो यहाँ एक नई शीट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे ये तीन टेबल आ गई हमारी, ठीक है जी। अब सिंपल सी कोई भी क्वेरी आप डिजाइन कीजिए, ठीक है जी। मान लीजिए मुझे ये पता करना है हर सिटी में कितनी सेल हुई है, तो हर सिटी में मेरे पास सीधे सीधे कस्टमर है, कस्टमर टेबल में सिटी है, सिटी मैंने यहाँ रो में डाल दी, सारी सिटीज आ गई। और सेल्स का जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्राइस से, इससे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहां से कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड होगा, कैलकुलेटेड, यहां से हम वो चूज करेंगे, क्या नाम है टेबल, तो हमने क्या था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और कैलकुलेटेड फील्ड, या कैलकुलेटेड फील्ड का भी रहते रहने देते हैं। सिंपल पहले उठा लेते हैं डेटा को कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो क्वांटिटी उठा के मैंने वैल्यूज में डाल दी, यहां मैंने क्लिक किया, क्वांटिटी में आ गई, तो हर एक सिटी में कितनी कितनी क्वांटिटी हुई है, ठीक है जी। अब मान लीजिए जैसे एक दिक्कत आ रही है कि यहां पे मुझे सेल्स चाहिए, तो हम वही अपने डेटा मॉडल का रेफरेंस ले सकते हैं। पाइवट टेबल की विंडो इधर ही है, ठीक है जी। इसमें मुझे कहाँ चाहिए, प्राइस करके और अमाउंट करना है, सेल्स के में ही आ जाए, तो यहां पे मैं कर सकता हूं, यहां पे डबल क्लिक करूंगा और यहां पे आ जाएगा प्राइस, ठीक है जी। प्राइस लिखा मैंने, अब यहां पे मुझे एक फार्मूला डालना कि ये क्या करेगा, तो यहां पे कुछ फार्मूले चलते हैं, यहां पे फार्मूला चलता है रिलेटेड, ठीक है जी। जैसे वीलुकअप होता है ना, वैसे रिलेटेड, रिलेटेड में आपका कॉलम नेम पूछ रहा है,
तो मैंने करना था PID, जैसे बड़े ब्रैकेट में ये आ गया PID, प्राइस, क्वांटिटी, SID। इससे पहले टेबल चाहिए, टेबल कौन सी है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में मेरा ये आ रहा है, प्रोडक्ट के तीनों फील्ड आ रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट प्राइस यहाँ चाहिए मुझे, प्रोडक्ट प्राइस मैंने डाला, एंटर कर दिया, सब में प्राइस आ गया। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए उनका, ठीक है। खाली एक मेरे रिलेटेड के फॉर्मूले ने सारा काम कर दिया, वो लिंकिंग हमने पहले ही कर चुके थे, तो किस जगह क्या आना है उसे पहले से पता है। अब आपको ये बताना था कि कौन सी फील्ड उठ के आनी थी बस। तो प्रोडक्ट प्राइस जैसे ही किया तो उनका प्राइस आ गया। अब अमाउंट, अमाउंट के अंदर हम सीधे सीधे फॉर्मूला डाल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, एक डाल, एक बार में आपका काम हो गया, ठीक है जी। तो यहां पे आ गया, अब तो सीधा यहां पे एक बार कर लेते हैं अपडेट। यहाँ पे सेल्स में प्राइस अमाउंट हमारे पास आ गए, तो अब ये क्वांटिटी की मुझे जरूरत नहीं, सीधा मुझे जो चाहिए था वो अमाउंट कितने की सेल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप तीन टेबल्स को यहाँ पे अपनी क्वेरी बना सकते हैं, कुछ भी क्वेरी, जैसे अभी मैंने सिटी की दिखाई, और मैंने ये देखना है कि कौन सी सिटी में कितना कौन कौन से प्रोडक्ट बिके हैं, तो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है जी। अब ये PID की जगह मैं PID का नाम से ही ले आऊँ तो ज्यादा बेस्ट है। तो कितने कितने के कौन कौन से प्रोडक्ट बिके, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं मान लो सिटी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कौन कौन सा कस्टमर ले गया, ठीक है जी। तो कस्टमर का नाम और हर एक बंदा क्या क्या वो ले गया है, ठीक है जी। किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को कौन कौन सी डेट में क्या क्या चीजें सेल हुई थी वो रिकॉर्ड निकालना है। तो ये डेट को उठा के मैंने प्रोडक्ट कस्टमर नेम के बाहर प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट नेम भी नीचे कर दिया सबसे, ठीक है जी। तो कौन सी तारीख को कौन, ये जो कस्टमर है कौन सी तारीख को क्या सामान ले गया था, ये हर एक की डिटेल, ठीक है। इसको हम वैसे डिजाइन से अपना चेंज कर सकते हैं, ये रिपोर्ट लेआउट को शो इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। सब टोटल वगैरह पाइवट टेबल ही है पूरा एक तरह से, ठीक है जी। तो कौन सी डेट को किस कौन क्या सामान ले गया, तो हर एक की बिलिंग दिखा दी इसमें टोटल, ठीक है। अब ये देखना हो कि कौन से महीने में कौन सा कस्टमर के क्या क्या ले गया था, महीना डेट वाला मैंने इधर कर दिया, सब टोटल इसमें ऑफ कर देता हूँ। तो डेट वाला इधर हो गया, और अपने वही ग्रुप वाले तो फंक्शन चलते ही हैं इसमें सारे, पाइवट टेबल वाले। देखिए ऑफ आ रहे हैं ग्रुप के, ग्रुप
ग्रुपिंग का क्या फंक्शन है, ग्रुपिंग डिसेबल दिखा रहा है। इसमें से कस्टमर नेम को हटाता हूँ, प्रोडक्ट नेम हटाता हूँ, क्या ग्रुप कर सकता हूँ इसको। प्लस माइनस भी नहीं दिखा रहा है ये। इसके अंदर अगर मैं प्रोडक्ट नेम डालता हूँ तो यहाँ प्लस माइनस का आता है, प्लस माइनस। ठीक है, ग्रुपिंग इसमें दिखा नहीं रहा वैसे, पॉसिबल है कि नहीं, फिर भी मैं अल्टरनेट वे ढूंढ के दिखा दूंगा, इसको ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है जी, पर बाकी हमारे पास पुराने तरीके तो हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप तीन चार टेबल को इकट्ठे मिला के या और भी जितनी भी टेबल चाहें आपस में मिला के उनका डेटा मर्ज करके रिपोर्ट्स जनरेट करा सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जो मैंने आपको फंक्शन बताया वो रिलेटेड बताया, और मैंने बताया कि इनकी लिंकिंग जो है डायग्राम व्यूज में जाके आप आईडीज को लिंक कर सकते हैं। जैसे हम वी लुकअप करते हैं ना, तो यूनिक वैल्यू, तो किसी दो टेबल में लिंक कर दें तो उन यूनिक वैल्यूज को लिंक कर दीजिए, फिर ये यहाँ पे आप दोनों के एट्रीब्यूट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि पावर पाइवट जो ये जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है वो कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत बड़ा है, एक्सेस में इसका थोड़ा सा चीजें देखी जा सकती, बाकी वाइड फॉर्म में ये ओरेकल और एसक्यूएल की वर्किंग को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ और चीजें देखते हैं कि 2013 में नई क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है जी, हमारी ये डेली वर्किंग में कितने काम आएगी सर, ये पिवट टेबल, ये पावर पिवट, पावर पाइवट वैसे नॉर्मली लोगों के अभी काम से परे है। ठीक है, जिसको डेटाबेस की थोड़ी बहुत नॉलेज है या एक्सेस पे काम कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत कर लेंगे, पर नॉर्मल आदमी के लिए इसको यूज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है जी, जैसा कि मैंने बताया वहां की टेबल, वहां ऐसी वर्कशीट नहीं होती है, वहां सिर्फ टेबल होती है। अब आप टेबल के कॉन्सेप्ट से कितना खेल सकते हैं वो बात। ठीक है जी, ये सेपरेट, जैसे एक प्रोग्रामर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, इसी तरह से ये फील्ड हो जाती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, एक होल फील्ड है। हाँ, तो बाकी आपकी नॉर्मल लाइफ में मैंने ये बताया कि दो टेबल का डेटा है आप पाइवट लगाने जा रहे हैं वी लुकअप करके, तो उनको यूज कर सकते हैं एक ही टेबल में। ठीक है जी, बट वो टेबल आपस में इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, उनका कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कस्टमर और प्रोडक्ट का अपने आप में कोई कनेक्शन नहीं था, पर जैसे ही सेल्स की शीट आई इनका कनेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसने प्रोडक्ट की आईडी भी यूज कर ली, कस्टमर की आईडी भी यूज कर ली। ठीक है जी, तो मेरा काम यह बन गया था कि पीआईडी के बेस पे प्रोडक्ट की डिटेल उठाऊं और सीआईडी के बेस पे कस्टमर की डिटेल उठाऊं, तो मेरे पास जो डेटा तैयार होगा वो कौन सा होगा, कंप्लीट, जो कि मैंने पावर पाइवट में दिखाया, बट वो किए बगैर इसके थ्रू मैंने पाइवट टेबल से कैसे करना है पावर पाइवट से, वो मैंने आपको बताया उसमें। ठीक है जी, आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है सर, ये रिलेशनशिप वगैरह लिंकिंग वगैरह जिसका काम होता है ना, अभी आपका आपके में मोस्टली कितनी होती है, एक टेबल से लिंक कर दिया, दो से कर दिया, तीन से कर दिया, पर जब जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, वो 50-50, 100-100 टेबल से लिंक करते हैं इसी बेस पे, और इसीलिए आईडी का कॉन्सेप्ट भी चलता है इधर। ठीक है, कहीं से अब जैसे एक अकाउंट्स का है, वहां पे 100 तरह की ट्रांजेक्शन होती है, कहीं कोई चीज बिक रही है, कहीं चीज कोई खरीदी जा रही है, कहीं उनको टैक्स भरना है, कहीं वैट भरना है, कहीं इनकम टैक्स देना है, कहीं सैलरी देनी है, तो अलग 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 टेबल होती है। ठीक है जी, सारा डाटा जो कनेक्ट किया जाता है वो इन्हीं टेबलों के आधार पे किया जाता है, और जैसे मैंने सेल्स टेबल दिखाई इसी तरह से हर एक ट्रांजेक्शन की एक टेबल सेपरेट बनती है। ठीक है जी, चेक काट के दे रहे हैं तो अलग ट्रांजेक्शन टेबल होगी। ठीक है जी, इनवॉइस काट रहे हैं तो अलग ट्रांजेक्शन टेबल होगी। ठीक है जी, प्रोडक्ट मास्टर, वो सब वही होता है,
थोड़ा सा इसके बारे में पूछेंगे ना तो आपको बहुत बड़ी चीज दिखाई देगी। ठीक है जी, अब इसी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ। जैसे फेसबुक है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, अब देखिए कि हर एक यूजर का सेपरेट डेटा मेंटेन करते हैं और उनके पास करोड़ों यूजर हैं। इसका मतलब कि उनके पास करोड़ों टेबल हैं। हर एक यूजर की एक सेपरेट टेबल क्रिएट होती है, उसकी प्रोफाइल फोटो से लेकर हर एक जो कमेंट करता है उसकी टेबल्स में सेव होता है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ अब एक यूजर ने उठ के दूसरे यूजर के आईडी में पोक किया, ठीक है जी, तो उसकी ट्रांजेक्शन उसके रिसीवेबल वाली टेबल में चली जाएगी। ठीक है जी, हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब बैंकिंग में आप कहें तो हर एक बैंकिंग लेजर्स जो बनते हैं, करोड़ों कस्टमर होते हैं। ठीक है जी, आपके पास पूरी स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है जी, अब वो आपका डेटा जो है अलग टेबल में सेपरेट कर रहे हैं। आपने फंड ट्रांसफर किया तो आपके टेबल से किस टेबल में इफेक्ट मार रहा है वो, उनके खाते में जोड़ा। ठीक है जी, मतलब हजारों सैकड़ों बही खाते होते हैं जिनको वो आपस में लिंक करके रखते हैं। ठीक है जी, तो ये सब काम होता है उसमें। टेबल भी कई बार क्रिएट होती रहती है। अभी तो जो है बेसिक जो है वो यही है, लिंकिंग। ठीक है जी, पर आपके लिए लिंकिंग बहुत कम काम आती है, वीलुकअप वगैरह में थोड़ा बहुत आती है, पर उसी जगह बैंक की बात करें तो उनके लिए लिंक ही सब कुछ है, तो वो चीज है। ठीक है सर, चलिए नई चीजें देखते हैं इसकी। अब जैसे मैंने आपको बहुत सारे टेक्स्ट के फंक्शन बताए थे इसमें, ठीक है जी, एक्सेल में अपर लोअर प्रॉपर वो दुनिया भर के बताए। ठीक है, अब मुझे अपर केस में ट्राई टाइप करना है ये सारा, मैं क्या करूंगा, कैपिटल में एक बार टाइप कर दिया मैंने वही जो मेरे साइड वाली सेल में। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। ठीक है नी, कैपिटल हो गया ये सारा का सारा। इसको कहते हैं दोबारा सर, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल। कंट्रोल ई। देखिए जो अपना पता क्या, ये इस फीचर को कहते हैं फ्लैश फिल। ठीक है जी, नॉर्मल फिल आपको पता है ये वाला होता है, यहाँ पे फिल डाउन राइट सीरीज जस्टिफाई, इसी में लास्ट एक ऑप्शन आया फ्लैश फिल का, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। कंट्रोल एंटर मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे अभी मैं लिख रहा हूं तो एडिट मोड में हूं, मेरा कर्सर अंदर है। अब मुझे एंट्री कंप्लीट करूंगा, एंटर मारूंगा तो नीचे आ जाऊंगा। ठीक है जी, टैब मारूंगा तो आगे चला जाऊंगा। इसी सेल पे ही रहना है तो एंट्री कंप्लीट करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर दबाना होता है, तो आप इसी सेल में एंट्री कंप्लीट करके होते हैं। ठीक है जी, देन कंट्रोल ही उसका शॉर्टकट है फ्लैश फिल का। अब मुझे क्या करना है कि खाली पहला लेटर बड़ा चाहिए, तो मैं वैसा ही टाइप कर दूंगा, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। ठीक है जी, अब ये देखिए दूसरी चीजों पे चलते हैं। यहां मैंने नाम लिख लिया, अब मुझे क्या करना है, सबके इनिशियल चाहिए कैपिटल में, एस डॉट के डॉट सी, इस तरह से कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। ठीक है जी, आप इसको ना
एक बार बताएंगे कि करना क्या है और फिर ये बाकी सारा कुछ वैसे करके दिखा देगा। ठीक है सर। अब मान लीजिए मुझे निकालना है फर्स्ट नेम यहां से, मैं क्या करूंगा, पहला नाम टाइप कर दिया, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। ठीक है जी, फर्स्ट नेम आ गया। मिडल नेम निकालना है, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। ठीक है जी, लास्ट नेम निकालना है, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। ठीक है जी, सही निकाला है ना विदाउट गलती के। हाँ जी सर, ये 2013 के एडवांस फीचर्स हैं, इसको कहते हैं फ्लैश पेज। ठीक है जी, कई बार क्या होता है कि इसको पता नहीं रहता है कि करना क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई किया और सही रिजल्ट ना आया, नीचे कुछ गड़बड़ दे रहा है, तो उसके नीचे वाले में एक और करके दिखा दें, फिर कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई दबाएंगे तो वापस से करेक्ट कर देगा ये। ठीक है जी, कई बार एक बार में नहीं लेता है, नीचे कुछ गलत कर देता है, फंस जाता है, जैसे एक जैसा नाम कुमार कुमार कर दूं अगर मैं यहां, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा लेना है। अब जैसे इसी को कर देते हैं, मैंने कर दिया कुमार कुमार। ठीक है जी, अब मैं यहां कर रहा हूं कुमार, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। अभी इसने क्या किया, मिडल नेम लिया है, चाहिए था मुझे लास्ट नेम, तो यहां क्या करूंगा, नीचे मैं कर दूंगा सिंह, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। हाँ, कंट्रोल एंटर करते ही ये अपने आप में बदल गया। ठीक है जी, तो जितने जब तक रिजल्ट सही ना आए आप इसको हर एक में बता सकते हैं कि अरे ये वाला नहीं था, ये था। ठीक है जी, तो ये फ्लैश फिल के फीचर है, इसके अंदर जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक और फीचर है जो आपके डैशबोर्ड में बहुत मदद करता है, डैशबोर्ड में कौन सा मदद करता है, सेल्स वाला ले लेते हैं टेबल। इसमें हम देखिए अपने पास क्या है, इसमें जो पावर पाइवट टेबल जो लगाते हैं ना, इसमें इंसर्ट में दो चीजें आई हैं, रिकमेंडेड पाइवट और रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड पावर पाइवट टेबल पे करेंगे तो जो जो सी पाइवट टेबल बन सकती हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। तो कहता है ये बना दो, ये बना दो, सम ऑफ क्वांटिटी बाय पीआईडी, ये जितनी तरह की बनेंगी उतनी आपको उसमें दिखा देगा। ठीक है, जो चाहिए वो ओके कर दीजिए, वो आ जाएगी। ठीक है जी, अब क्या करता हूं मैं इसमें एक डेट ले लेता हूं, या ऐसा करता हूं, यहां पे मेरे पास एक चीज है इंसर्ट टाइमलाइन, खाली पाइवट टेबल में चलता है। ठीक है जी, इंसर्ट टाइमलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो डेट वाली फील्ड आपके पास आ जाएगी, चेक करके ओके कर दिया मैंने। अब ये जो डाटा दिखा रहा है ये किस बेस पे दिखा रहा है, इसके बेस पे दिखा रहा है जो इसमें डेट्स थी। ठीक है, इससे इधर आता हूं, ये पूरा मतलब हर एक ईयर है, इसको अगर मैं छोटा करना चाहूं तो यहां से जो है ईयर वाइज कर सकता हूँ इसको, तो ईयर वाइज आ गया। मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा चाहिए, 2008 का चाहिए, यहां से ड्रैग करके लाया मैं खाली इसको, अब ये डेटा 2008 का हो गया, क्लिक किया 2009, 2010, हर एक का मैं देख सकता हूँ डेटा। ठीक है जी, विद इन वन क्लिक। ठीक है जी, क्लिक में दो तीन का चाहिए, ऐसे करके इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, ईयर में कर लिया मैंने, इसी तरह से मैं मंथ का करना चाहूं
उसमें टाइमलाइन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ईयर ऊपर आ रहा है फिर हर एक मंथ आ रहा है। तो 2003 का मुझे मार्च मंथ चाहिए, तो इसमें देखिए मार्च मंथ का डेटा आ गया, उसका थोड़ा सा ज्यादा चाहिए बढ़ा के आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए क्वार्टर वाइज चाहिए तो क्वार्टर, हर एक ईयर का क्वार्टर आ गया यहाँ पे बना हुआ, क्वार्टर 1 2005 का, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, हाफ ईयरली। ठीक है जी, बहुत आसान हो जाता है, डे वाइज कर सकते हैं, किसी एक डेट का चाहिए, एक रेंज डेट का चाहिए, तो इस तरह से ही एक बेसिकली क्या है, टाइमलाइन फिल्टर है एक तरह का, ये आपको डैशबोर्ड का लुक देता है एक्चुअली। ठीक है जी, एक तरह से डैशबोर्ड का लुक देता है कि आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब आपने ये कंट्रोल सा बना के दे दिया बॉस को कि बॉस इस हिसाब से देख लो आप जो चीज। ठीक है जी, तो ये एक तरह का फिल्टर होता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारे पास है इंसर्ट स्लाइसर, पर स्लाइसर यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो डेटा है ना वो टेबल में होना चाहिए। तो ये मेरे पास सेल्स का ही डेटा है, इसी पे खेल करते हैं और क्या करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर कहाँ गया, स्लाइसर ये रहा स्लाइसर, टाइमलाइन मेरे ख्याल से यहाँ पे भी यूज नहीं होगी, नहीं होगी स्लाइसर, टाइमलाइन खाली उसके लिए होती है। अब स्लाइसर जैसे आप फिल्टर लगाते हैं ना, स्लाइसर भी सेम वही काम करता है। मैं क्या करता हूँ, चूज कर लेता हूँ PID और CID, ये दोनों चाहिए होगी। ठीक है जी, ये दोनों फील्ड मुझे फिल्टर करनी होगी, तो ये क्या करेगा, दोनों के इस तरह से बना के दे देगा। ठीक है जी, PID और CID, इसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, जिस पे क्लिक करेंगे डेटा उसी का दिखाएगा। तो कहाँ गया, फिल्टर ही हो गया लगता है, यहाँ से फिल्टर हो जाता है, गया कहाँ, स्लाइसर स्लाइसर स्लाइसर, यहाँ क्लिक कर PID CID, ये है, किसी में क्लिक करके आप देख सकते हैं, इनका डेटा आपको दिखाता रहेगा। ठीक है जी, इसका दिखा दो, इसका दिखा दो, इसका है, इसका है, इसका है, कितना है। ठीक है जी, P004 में अलग अलग फिल्टर कर सकते हैं, इनको करेंगे तो फिल्टर रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा कॉलम बढ़ाने हैं इनके, तो मैं कहता हूँ 4 कॉलम में दिखाओ मुझे, एक में मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो CID के हो गए 4 कॉलम। अब यहां से कर लीजिए, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, मल्टीपल सिलेक्ट कर लिए, इसमें मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहां से। ठीक है जी, तो बेसिकली आपके सिलेक्शन के ही काम आते हैं फिल्टर की तरह। इसके भी मैं कर लेता हूँ 4 कॉलम। तो इसमें ये दिखा रहा है कौन सी चीज, वैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, बेसिकली ये स्लाइसर भी आपके फिल्टर का काम करता है, जिसको आप डैशबोर्ड की तरह दिखाने के लिए ये 2 टूल दिए गए, मोस्टली आपके डैशबोर्ड इन्हीं से ही बन जाते हैं। अब क्या करते हैं कि चलिए ये मैंने दिखाए, थोड़ा सा और फीचर दिखाता हूँ इसके, इसी डेटा को ले लेता हूँ, किसी को भी ले। ये मैंने कुछ डेटा लिया है, मैं इसको जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये नीचे देख रहे हैं, नीचे एक साइन आ रहा है, या क्या
क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल, ठीक है जी। इसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपके पास हैंड्स ऑन चीजें होती हैं, डेटा बार, कलर स्केल, आइकॉन सेट, ग्रेटर देन लेस देन वाला क्लिक करेंगे तो और एडिशनल ऑप्शन आ जाएंगे, टॉप 10%, क्लियर फॉर्मेट, ठीक है जी। चार्ट्स ही लगाने साथ में, चार्ट्स के दो तीन फॉर्मेट आपको दे देगा, ठीक है जी। टोटल, इसमें कोई टोटल लगाना है तो सम का, एवरेज का, काउंट का, परसेंटेज, टोटल, रनिंग टोटल, सम और काफी तरह के फॉर्मूले, रनिंग टोटल, ये सारे आपको साइड में ही करके दिखा रहा है, इधर पे आपको दिखा रहा है, टेबल में कन्वर्ट करना। अच्छा, पाइवट टेबल, नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना, पाइवट टेबल, पाइवट टेबल भी आपको रेडी दिखा रहा है कि कौन कौन सी होंगी, ठीक है। जितने जितने पाइवट टेबल है सब आ जाएंगे, स्पार्क लाइंस, ये छोटे मोटे चार्ट होते हैं, अपने तो क्लिक कर दिया तो आ गया, ठीक है जी। तो क्विक एनालिसिस में हमारे पास काफी सारी चीजें पहले से ही हो जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद दिखाता हूँ रिकमेंडेड चार्ट्स, जितने तरह के चार्ट इससे बन सकेंगे ये मुझे बताएगा। सेल्स के पे ही ले लेते हैं, इस पे डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं, या खाली इसमें तो क्लिक करना ही काफी। तो इसमें है मेरे पास रिकमेंडेड चार्ट्स, रिकमेंडेड चार्ट्स में जितने तरह के चार्ट बन सकते होंगे ये दिखा देगा। अभी ये इसमें स्पेसिफिक डेटा सिलेक्शन में दिखा रहा है, तो जितने तरह के बनेंगे ये आपको दिखा देगा। पहले से बने बनाए आपको ये वाला चाहिए, ये वाला ले लीजिए, चार्ट बना, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये इसमें एडिशनल फीचर आए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं आया, हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए एक वीडियो है, अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हैं, वो एक्सेल 2013 के न्यू फीचर्स के ऊपर है, ठीक है जी। तो आज के लिए एंड करते हैं, बाकी फिर हम कल से, मेरे ख्याल से कल से चार्ट करेंगे, चार्ट से डैशबोर्ड की ओर गतिमान होंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। ओके सर।